भांजा तुमने बा कहावत तो सुनी हुई ही। कौन कि बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। हाँ क्या हुआ, चौंक गए ना? जी हाँ, यह एक हादसा है और इस हादसे के कारण को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ इस कहानी के सफर में। तो ये है वर्तमान गांव के प्रधान श्रीमान हगन भैया। पर साइन कर दो, हम आप एक सहारा है। कतई का कही तुमने हगन? हमने तुम्हें 20 नाम बताओ। हमारा नाम हगन नहीं है, मेरा नाम छगन सिंह है। ठीक प्रधान जी, अब नाई कहीं कब हूँ जो पकड़ो नाई कहीं साइन। अरे नाई करी। ये श्रीमान जी ऐसे ही उलझते रहते हैं। असल में इनका नाम किसी मार्कशीट में नहीं बिगाड़ा गया, इनके नामकरण करते समय ही बिगड़ गया। आज से हमारे बेटे का नाम हगन सिंह है। जब कोई नाम हो तैयार प्रधान जी। अरे प्रधान जी बिल्कुल खामोश। आप समझे नहीं, अरे प्रधान जी के पिताजी छाप को हा बोलते थे। इनके छोटे भाई हैं भूरे, जो प्रधान जी का काम काज देखते हैं, और इनका एक पुत्र भी है जिसका काम में नहीं लगता है मन, उसका नाम है जगन। और ये है वहां से फकीरे। ये नाम से ही फकीर है, लेकिन पूरे गांव के लिए अन्न वितरित करते हैं जी। ये वहां से कोटेदार हैं, और साथ में हैं इनके प्यारे भांजे लालू, जिनका मन कोटा बांटने में कम और लूटने में ज्यादा लगता है। तो आइए इस सुंदर सी कहानी को अंत तक देखते हैं कि क्या चल रहा है। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, भूरे भैया राम राम। राम राम, आवो। हाँ गुड्डू बताओ। अरे प्रधान जी हैं क्या घर पे? प्रधान जी है ना, क्या काम रहा है? अरे थोड़ा काम रहा है। अरे बाहर गए रहे, पीछे वाले दरवाजे से आए हुए हैं। तुम जाओ बात कर लो, जाओ जाओ जाओ। बड़े निर्लज्ज व्यक्ति हो भूरे भैया। प्रधान जी तो घर में घूम रहा है और आप कह रहे बाहर गए। वाह भाई वाह। गुड्डू ज्यादा दिमाग खराब तुम्हारे, हम कहा बाहर गए रहे हैं यार। झूठ बोल बोल के हमें बेवकूफ ना बनाओ, समझे? वोट लेन तान देखो कैसे पीछे पीछे घूमत रहा था। अब की वोट मांगा नहीं हो तो हम घर में घुस जाए, बुलात रही हो तब भी बाहर ना निकले, देख लियो। अच्छा तो तुम ऐसा मन हो ना। ददुआ हाँ आप जरा घर जाओ। कहे? अरे जाओ तो जाए रहे। अरे यार बुलाओ बुलाओ प्रधान जी को भाई। अरे मिलने हैं प्रधान जी से भाई। भैया प्रधान जी घर है ना, कर ले आइयो। देखो भूरे बदतमीजी ना करो। शुरू कहने करी। ठीक है हम जा रहे प्रधान जी, अब वोट मांगन दरवाजे पर ना आइयो, और जहाबाद हम पूरे गांव में फैले ही देख लियो। अरे जाओ मेरे सिंगे फैले आओ, हम थोड़ा प्रधान बन जाए। भूरे हाँ तो है गुड्डू इधर आ, कहाँ चल रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ घर जाओ, सरसों तेल ले जाओ थोड़ा, पैर में लगा बुआ मालिश करो, दर्द हो रही। तुम्हें हम बाद में बताएं। भूरे भाई सब वोट बैंक अब कम हुई गो है हमारो, बड़ा कम मार्जिन जीते हैं पिछली बार। बताओ गुड्डू क्या बात, क्या हो गया? प्रधान जी हमारो बस एक काम कराए दो। बताओ। तेल हम आपके लगाए रही, बस जहावाद की चर्चा गांव में ना करियो कि गुड्डू प्रधान जी तेल लगाते हैं। ठीक गुड्डू हम तेल की व्यवस्था में करवाए दे, बस काम का है तुम्हारा। कोटेदार की शिकायत है प्रधान जी, आपको तो पता है हम अकेले सदस्य हैं, ऊपर कोटेदार हर एक राशन कार्ड पर 1 किलो गल्ला काट लेते और हम एक ही यूनिट। अब बताओ हम क्या करें? अरे गुड्डू ऐसा है ना, ऊपर तक खिलाने पड़ते, कोटेदार अकेले नहीं खाना ऊपर तक जाते। अरे भाऊ आपको बहुत बड़ा विरोधी है। अरे सबसे कहा है प्रधान खुद ही आधा किलो खाते हैं। है? और का? किम्मा की आँख। 5 किलो गल्ला में से 1 किलो वो काट लेत, अब हम क्या करें? आप खुद ही बताओ क्या करें हम। समस्या तो है। हाँ चिनिंदा। प्रधान जी। हाँ। भाई मामला गड़बड़ है। का हुई गो? अब देखो हमारे यहाँ 25 यूनिट है। हाँ। अरे यार भैया भैया का चाहता हुआ? अरे पैसा पैदा करा यार, बच्चा थोड़ा हूँ। अरे हमारे तो दो ही हैं, हमारे मजले और बड़े सुरिंदर मुनिंदर बैठे जोते दर पर दर।
पिलास लेके दांत एक एक निकालने गिन के। अरे चुनिंदर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब। ददुआ खोलो। भूरा आज तुम्हारी छुट्टी। अब प्रधान जी के तेल गुड्डू लगे। लगाओ। गलत बात किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना ठीक रहती। ले बेटा मालिश करो तगड़ेस। लगा लगा दर्द ज्यादा है पैरन। वो कोटेदार साहब क्या कर रहे हैं? क्या बता रहे? कह रहे कि एक किलो कटौती में से प्रधान जी आधा किलो खाए जा। बका सारो सब झूठी बोल। तुम दिखियो चुनिंदर हमारे को कोटा खाई ली। कोटा खाई जी। इस हिसाब से हमारो 1.5 किलो गल्ला आप पास बनो। अरे मिल जाए ही यार। ना 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 हमारे बो दे दो नहीं तो हम जाएंगे डीएम ऑफिस। कल हमारे साथ तुम चलियो पूरा गल्ला दिलवाई। डीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है डीएम ऑफिस तो जाएंगे। दिमाग तुम्हारे ज्यादा खराब। थोड़ी कम कम पिया करो। दिलवा दियो तो डीएम ऑफिस जाएंगे। तुम तो सही तेल लगाई लो। तुम्हें तेल लगा लो तमीज ना यार। लगा सही। हाँ लगा। लगा बढ़िया। मालिश करो काम करवाई हो तो फटी लगाई हो। जाओ मामा तुम काम मशीन चलाई। अरे यार दोनों काम कर ले यार थोड़ी देर काम है। लाओ यार मंगू कार्ड दो। जल्दी जल्दी कहा बतामा यार मंगू ले वही में घुस जाओ तुम। मान ही गए यार तुम्हें सबर ना आई है 2 मिनट। सही से खड़े रहो यार। लगाओ ना लगो फिर से लगा। लगता ही ना है इनको भैया। रगड़ के लगाओ। चूतरम रग रहा हूँ चूतरम। तुम्हारे रगड़ते हैं कोटेदार। कहे तुम इना तक भगवान कोटेदार हम पर ढंग बोलो करो। तुम मेरे मुंह ना लगाओ करो फालतू। तुम हमारे ना मुंह लगाओ करो। बंद करो भंजा। बंद करो। रुको रुको उठाओ। तुम यार रगड़ के आओ जा। ठीक रगड़े अब है लौटे आज गल्ला लेके जाइए। हटाओ यार हमें पहले गल्ला ले दो। ले भैया जल्दी में हुई हो। हाँ जल्दी में बहुत हुई भैया। यहाँ सब जल्दी वाले आओ तो। हाँ लगाओ हटाओ। ले साइन करते हो यहाँ। ले पर्ची कावा जो 14 किलो। जाओ इतो मिली। जितो मिलती उतो देव मई। अरे यार इंस्पेक्टर का अपनी जहमत दी। अब हम डीएम तेरे आई रहे। ए रुको सुनो मेरी बात सुनो। डीएम तीन ना चाहिए ऐसा करो इन्हें पूरा दे। अगले महीने हम 2 किलो कम कर दें। ठीक अब ना कहियो कुछ। हाँ हमें पूरा मिलना चाहिए। हाँ तुम पूरा ले। हाँ लिंगड़ा आदमी हम। ले पूरा ले जाओ। ठीक जाओ। हाँ ले कोटे यार घर को चढ़ा। जो कहा है कार्ड है। कार्ड है पन्ना ले घूमते आ थरम नहीं आउत कताई। अरे वो बच्चन ने फट डारो। ठीक बहुत बढ़िया कार्ड बच्चन ने फट डारो तो हमारी फट डारो। ले चढ़ाओ। बोलो नंबर बोलो। 9936-54-032। अरे हम मारन लगे बेवकूफ है। कार्ड नंबर बोलो यार। वो हमें नहीं पता है। बढ़िया लिखियो ना कता है। सही से अजूद है गाँव। लगाओ हटाओ। 4 यूनिट है। अब है तो 4 ही है बस 5 में तैयारी है। बहुत बढ़िया लगे रहो दम ना लियो को तई। कोटेदार 1 यूनिट बढ़वाई दियो की। जय बैठा है कोटेदार। ले लो जाए। जब का हमें 1 किलो कम है। अरे यार इस बटर का अपनी जहमत दीबो हम। 1 किलो कम नहीं ले पाई हम। ना ले तो तेल लगा जाए। जाओ लो कोटेदार मैं चावल हटाए गेहूँ बढ़ाई दो। अरे यार गेहूँ का मामा घर पैदा होते हैं। लेना हो ले ज्यादा लकड़ियां ना करो निकल लो ही इनसे। हाँ बताओ जाय। आराम अरे बुलेट रकम थोड़ा हुआ। चलो चलो बैठे बाबू बाबू हम देख रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ भाई कोटेदार। अरे बढ़िया प्रधान जी बढ़िया। कुछ रहा भाई कुछ रहा। बाबू बाबू बैठो भाई बैठो बैठो भाई। क्या है लाबो भाई राधन लाबो। अरे हाँ अपन का है तकलीफ करी कि भाव भेज देते हैं और गल्ला तो मिल ही जाते हो। तुम्हारे भाव ज्यादा ऊंचे है ना। लाबो जा कार्ड लाबो। हमारो नंबर नहीं पता तुम्हें कोटेदार। तुम्हें प्रधान जी को नंबर नहीं पता। अरे पता है ही। डरो चला नहीं पे हो कोटा। हाँ प्रधान जी देखो इन्हें 1 किलो कम दो। लगाओ हम देख रहे हैं। अब अंगूठा तो लगाओ या जो हमें लगाई दें।
लगाई हो अंगूठा है मात्र हटाओ। अब है देखिए तुम्हें कितना मिलती पूरे दिन में, तुम टेंशन का लेत 5 यूनिट है 24 किलो दे जो पूछने वाली बात। अब प्रधान जी हमें चावल नहीं सब चावल ही हमको और का ले लो पर्ची देख लो जो का है कोटेदार जो गल्ला है जो गल्ला ना है जो पर्ची है अजय अहमद 24 किलो कौन हिसाब लिखे 5 यूनिट है हमारा घर में 25 किलो होना चाहिए। अब ले इस पे ट्रक का अपनी जहमत दे का सवेरे सब पर जह खाज जाए कहूं दो हमें नहीं मालूम पूरे गांव वाले पर वसूली हो का यार। अरे प्रधान जी आप जो बातें करी हो समझो और के एक तालीम खाते हैं काय हम जो बातें नहीं करी देखो जो गांव हमारो जो लोग हमारे हम इनके हक के लिए लड़ी तो हमारो तो है कैसी बात करते है। अगर जे तुम्हारे हैं तब जो एक किलो गल्ला काहे के लिए काटत अब ऊपर से नीचे तक खवाऊं दे पत्ते तो का करें जा बताओ। अब ले मामा प्रधान जी तो 2 किलो खाते हैं कौन कही और का। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार कोटेदार औकात हम तुम्हारे खिलाफ आज एप्लीकेशन दे हम तुम्हारो कोटा गाओ जो भंजा तुम एप्लीकेशन लिखो तुम सेवा में श्रीमान आगे रुको थोड़ा रुक जाओ बाल से तमीज है या कम लगन है पूरे गांव को लूटा यार। अच्छा हम लूट रहे हैं तुमने आवाज हम खाई लाई लेटरिने खाई लाई टोला वालों खड़ंजा नाली सब खाई गया वो सब खाई गया यार। तुम दोनों लोग जेल जाइयो मामा भांजा। अरे 2 दिन में कोटा ना गो अगर तुम्हारो तो मेरो नाम छग्गन सिंह ना। अरे जाओ काम करो जाए हग्गन सिंह काका ही तुमने कोटेदार काका ही हग्गन सिंह। अरे वो मामा छाका हा बोलते हैं तब कोटेदार तुम हम बहुत बड़े हंड फकीर आओ जो जो तो होते ही नहीं भाई होते नहीं हम हूं ला कहां पड़त। अरे आज हम गल्ला लेके ही मनी अब ठीक अब कोटेदार के बाप तक गल्ला दी 2 दिन के अंदर याद रखियो आओ कोटेदार बदल दी चल जाओ जो कर मिले कर लियो। अरे तुम देखो का होए जाओ जो कर मिले कर अब देखा कोटेदार अब लगे है फिंगरप्रिंट। अरे कोई गल्ला ना ली प्रधान जी से बात कर ले आओ ना लियो ना ले यार प्रधान जी गल्ला फिर हमने ना लियो बढ़िया करो हां और तुम लोग टेंशन ना लो तू इन को हमें वक्त दो तो कोटा हम खाई लीबो इनको और चुनिंदर तुम हम कोटेदार बने तुम टेंशन ना लियो हां 2 दिन बाद ठीक है तब तक व्यवस्था कर लो दोनों तीनों लियो। अरे अरे प्रधान जी अरे हम देख रहे हैं यार अरे व्यवस्था कहाँ से कर लें भाई सुनो हम क्या कह रहे हैं इनकी लड़ाई जैसे चली है ठीक है जो तो मिल तो ले जो दे तो है कब तक दी ना दी चलो आबो फिर आबो यार ले लो चल इनके चक्कर में ना पड़ो कताई खा लो। अरे पिंटू भैंसिया आंध बाबा यार कितनी बदबू मार रही कोई काम ढंग को ना करते यार तुम लोग। दादा हाँ बोल एक पालक फोन आ रहा है। हाँ क्या बताओ रहे बताए रो रहा है कि पंचायत घर के लिए जगह नापी जाही तब ठीक है नब्बाई नहीं कहा है टेंशन ले। अरे नब्बाई तो दियो लेकिन हमें लग रहा हो कोटेदार नपोर हुई जाही इस बार। अरे तो कोई बात ना है ढेर बोली मर ही सारे तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है जगन जाओ तुम कॉलेज पर अपना ध्यान दो पढ़ाई लिखाई करो राजनीतिक चक्कर ना पड़ो तुम पढ़ाई लिखाई ना हो तुमसे हुई ही का तुमसे पड़े पड़े खाता हो जाओ ना और कर कितो कुछ ले आपा हुई ही मानना ही कल सारे देख लियो तुम हट लो मियां बुरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कल चलिए हम और तुम और थोड़ो प्यार से ही बात करें लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखो निपट ली यार जा लो ठीक नहीं देखो जाइए फिर लेखपाल साहब नापो जय है नपी जय ही नहीं बनी नापो का ऐसा कैसे नपी है यार। अरे तो और कैसे नपी है यार नापो हमने पैसा खर्च करो वहीं पर कोटेदार सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले तो जमीन अपनी नहीं हुई जाती अब जा सरकारी नहीं रही जहाँ जमीन सरकारी है ग्राम पंचायत अब हीने पर बनी पंचायत घर अब जगह तो सरकारी है। अच्छा अब जा सरकारी हुई गई और जो पैसा खा रहे हैं तब अरे अरे तो ठीक लेखपाल साहब पहले आपने इधर से पैसा खाए अब आप इधर से पैसा खाओ हम खवाई पैसा आप पंचायत अगर ही नहीं बनी हाँ तुम गल्ला खाओ एक किलो हम गल्ला खाए और तुम आवाज खाई रहे भाई। अरे दादा लेखपाल साहब का सौ की पत्ती दो तब है ना पी जाए दीबो हम यार मामला गर्म हो बात करो
आप नापो गेहूं या चावल दोनों दोनों हम कर रहे बात। लखपाल साहब आवाज खड़ंजा या शौचालय बता। तीनों अरे लखपाल आवो तुम नापो आवो लखपाल आवो आवो रुक जाओ एक मिनट चौथी देख लें लाओ कट्ठा लाओ ले हां कट्ठा दो नापो चलो डालो इधर से यहाँ से डालो अरे उधर से कैसे यार अरे किधर से यार गट्ठा इधर से डालो भाई बा जगह हमारी है। अच्छा यार तुम्हारी जगह नहीं सरकार की जमीन है ग्राम पंचायत पड़ी है तुम ही आना पाओ तो इधर से डालो लट्ठा चलो उधर से नहीं पड़ पाएगा लट्ठा लेखपाल तो किधर से पड़ पाएगा इधर से पड़ पाएगा अरे घुमाएगी डाल लो दोनों लोग लट्ठा मोथरे के बहुत उठाई पड़ेगी दोनों लोग ने सुनो पंचायत घर बनेगा या नहीं बनेगा प्रधान जी ये बताइए आप हमको अरे क्यों नहीं लेखपाल साहब अरे हम कह रहे हो उधर सुनाई भी नहीं अरे तुम कौन हो यार तुम कौन हो यार अरे हम प्रधान जी हैं यार तो हम कोटेदार हैं कोटेदार हो तो जाओ फिर गल्ला बांटो जाए यहाँ का तेल लगाओ लखपाल साहब लट्ठा इधर से नापो पंचायत घर इधर बनी लखपाल साहब नापना हो नापाओ नहीं घरे जाओ नपी है इधर से ऐसे थोड़ी होता है प्रधान जी पहले आपस में बातचीत कर लीजिए उसके बाद नाप हो पाएगी ऐसे कैसे नाप तरह देखो अपने आप हम लेखपाल साहब हम कहा था हम तुम्हारे लिए तीन तीनों व्यवस्था करेंगे तुमने सरकारी आदमी कॉलर में हाथ डाला ये पकड़ो अपना आदेश और नाप आप नहीं हो पाएगी और तुम्हारी सारी जमीन हम ताल में खुदवा देंगे अरे लेखपाल ठीक है तब आई एम चुन्नी प्रसाद लेखपाल अरे लेखपाल साहब बात तो सुनो हम आपको आपकी जेब नोटन में भर दी बात सुनाओ लो भाई नपाई लो निकल गई प्रधानी मामा बुरा इनकी मामा भाई तुमने कोटेदार ऊपर हाथ चलाई दो एक बाप ऐसे खड़ा रहियो हिलियो ना ठीक है एक बाप के हिलियो ना भाई आउट नहीं हिली अब आ के अब आउट कोटेदार जा तुम हो अगर एक बाप के हुयो तो वो भाई जाओ भाई आओ भांजा चलो आओ खड़े हैं हम दादा भमेल के बात बिगड़ गई यार हिला बाबू ना हम एक बाप के बेवकूफ आदमी दूर खड़ाओ दादा फोन आई रो तो बात कर लो अरे आपको फोन आई रो तो बात कर लो हिला बाबू ना हेलो हेलो ले हेलो हाँ अरे यार मोहर लगाई दी हम जा पंचायत घर नपरो हम हुआ है अब तुम्हारे ही में मोहर लगवा दे बता मैं तुम्हें अब आप ही आ जाओ हाँ अब आऊ फोन काट दो आऊ दो अब तुम का जगन फोन करो ए जगन फोन करो जगन बुला दो तीन लोग हो जाओ पता नहीं कितनी मातोर हुई हेलो जगन खड़ा रहियो प्रधान जी हिलियो ना बस आई गए हम आई गा हिलियो ना अरे साले हाथ कैसे लगा हां मारो अरे कोटेदार तुम्हारे अच्छे दिन होए तो तुम अब चले जाओ हां आएगो मजा याउ पूजा नहीं भैया प्रधान जी देखो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह यार धक्का लगवा देते अरे जो को चुनाए बड़ा बुजुर्गन ने कही है कि अपने दुश्मन का धक्का भी नसीब ना होना चाहिए ना ना दादा हम लगवाही धक्का दादा समाज सेवी बनाओ अरे पिछली प्रधानी के इलेक्शन टाइम जय विरोधी रहे घर के रात के 1 बजे हमें तलब लगी रहा गुटका की कोटेदार ने गुटका खवाओ रहा है अब इनको जो एहसान है आज उतार दी अच्छा जगन कातिम भतीजे नहीं मनी हिसाब पापा चाचा अकेले लगाने लगवाई दे जाए भाई लाओ कुत्ते दुश्मन किसम सगो नहीं होते चलो घरे भाई चलो सारे पानी ना पिए पाओ स्टार्ट ना होरी रुको अरे रुको यार धन खबाओ तुम्हें लगत कमाई रोक ना भैया अरे यार कोटेदार नातेदार तुम्हारे यहाँ कतई सिर रही है उतनी दर्द गाड़ी में धक्का लगा रहे स्टार्ट नहीं कर पाए रहो अपने आप बैठो भाई आगे अब यार देख हाँ। क्या यार नातेदार खोल भैया खिड़की खोल जरा हम देख रहे
यार सुबेरो ना हो दे सही ले रखी लो भतीजे तुम्हारी माँ का सलाम करें। अरे चाचा, अरे आपा चाचक पेल दो कोटेदान ने कोटेदान ने चलो चलो चाचा लगे तो बहुत मारो है चुआ। आप चुनिंदर तुम्हारे लड़के का सामान है। लड़का सामान चाचा। हाँ बे ना भतीजे बहुत मारो हमें। कोई ही कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज भतीजे। हाँ हम कोटेदार का निपटाए दी इसके भाई की तरह। इसके भाई की तरह? इसके भाई का किसने मरवा? किसने? हमने। लेकिन लेकिन जावा तुम्हारे बापा को नहीं पता है। अरे जगन, हाँ 80 रुपया ला लो यार, हमें पवा जुगाड़ कर ले, तो उनको पिलाए ना। ना है मेरे पास यार, अच्छी दोस्ती निभा रहे, बहुत काम चलाना पड़े। सुनिंदर तुम्हारे बापो यार कहते नपोरा है। उन्हें तुम्हारा ना सलाद के नाम पर रखो। हाँ। चुकंदर और सुनो। सुनाओ। इसके भांजे के ऊपर गोली किसने चलवाई? किसने? हमने। अब इसका इलेक्शन में हरवाओ किसने? किसने? हमने यार। और कौन है भाई? वाह चाचा वाह। इसकी धर्म पत्नी उसका भगवाओ कहीं ने? किसने? हमने। अरे रात्रि चाचा। अब इस कोटेदार की बारी। वैसे भतीजे हमें मारो बहुत। आई तो थोड़ा कुछ है चुनिंदर। चाचा बहुत सीधे आदमी है, आप थोड़ी ज्यादा हुई गई। ज्यादा हो गई। चलो चाचा चलो घर चले। चुनिंदर हाँ चाचा। चलो चाचा घर चलो, अब तुम चलो उठो। घर कैसे चले? अभी हमने पी कहा है। हाँ, अब पियेंगे घर पे। पियेंगे चलो चलो घर पे पियेंगे। चलो रुको रुको घूट मार ले। नशा शराब में होता तो बहुत अच्छा बाबा। नाचती शिल्पी। चाचा शिल्पी कौन है? पटेदार। हाँ चुनिंदर। आप एक पास आउत रहे हैं। बताओ। बहुत गजब की खबर हमारे हाथ लगी है। का? अरे उनका सुन के तुम्हारे पैरों नीचे जमीन खिसक जाएगी। सुनाबो फिर। ऐसे सुनाबो 1000 रुपया लाबो, तुमने एनर्जी ड्रिंक भरी जाए तो मजा आवे। रुपया है भांजे? हम ना ही ला मामा। रुपया ना है यार, चावल ले लियो। ना है बोरा गेहूं को। चलो गेहूं ले लियो, लेकिन सुनाबो तो आओ। सुनो लगाओ। इसके भांजे के ऊपर गोली किसने चलवाई? किसने? हमने। इसकी धर्म पत्नी उसका भगवाओ कहीं ने? किसने? हमने। भांजा मामा अरे की भूरा की व्यवस्था कराओ। कर लिए। नहीं अकेले नहीं। का है? देखो बदला तो मुख लेना और बदला मुख लेना। का है बदला? अरे इनने हमारे बापा की टांग तोड़ी, हमारे 3 बीघा जमीन का बजाय ले। वो दिन से आज तक यही मौका तलाश रहा है। तो ठीक है फिर करो व्यवस्था ही की। हाँ अब उठवाओ जिम्मेदारी मेरी, हम कर ले। ठीक चलो भांजा। इधर अरे सामक सामक देव संगम संगम। हाँ अरे
ठीक 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 आइए चलो व्यवस्था करो फिर। अरे कौन चूतिया बीच में गाड़ी खड़ी की है, अपने बाप की रोड समझ रखी है क्या? अरे सचवा तुम्हारो इंतजार करते रहा इतनी काहे पी लेते हो, ये गाड़ी पीछे हटाओ। अरे आपके लिए बहुत टाइट पीस की व्यवस्था करी है। सही बात कहाँ गाड़ी भाई चुनिंदर चुनिंदर जो बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत महंगो पड़ी है तुम्हारी। हेलो जगन सचिवा धल्ले क्या? कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम सहारा लगा हाय भूरे उठा खींचो आजा नीचे उठा आजा बस समारोह कर दन भूरे चाचा भूरे नहीं रहे जगन बेटा पापा जो निशान देखो किसान मार डालो है चाचा चुनिंदर ददुआ मेरी किसान दुश्मनी नहीं रहे सिर्फ कोटेदार से दुश्मनी रहे। हम कोटेदार को मार डरे कोटेदार तुम्हारे साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी बुरा चाचा ले चला यार बुरे ले चला उठा उठा चुनिंदर और तुम दोनों लोग मेरी बात को ध्यान दो। अब भूरे हमारे बीच नहीं रहे, मेरे ज़्यादातर काम भूरे ही संभालते रहे। अब तुम दोनों लोग सारे काम संभाल लियो क्योंकि मेरे बस को अभी कुछ है ना, हमें थोड़े दिन के लिए आराम की ज़रूरत है और जगन भी अब छोटू है, समझ भी कम है। ठीक है चचुआ आप चिंता करते ना करो, हम लोग सब संभाल लें, वो हम भी तो भूरे जैसे हैं ना। आपा कोटेदार ने चाचक मारो है हमारे, कोटेदार कल्ली को सूरज ना दिखी। देखो बेटा जगन तुम अब छोटे हो और तुम्हारा खून भी गर्म, जय फैसला इतनी जल्दी में ना ले जात और हिंसा की सब चीज को हल लाए। हम कोटेदार के खिलाफ FIR करें, उसे जेल भिजवाई। ना आपा फैसला हमें ऑन द स्पॉट चाहिए। अरे समझाओ यार इसको, मैं कह रहा हूं ना तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं करता हूं ना कुछ, अब भूरा मेरा भी भाई था, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो यार। ऑन द स्पॉट चाहिए फैसला, जाओ मैं एक को खो चुका हूं। चुनिंदर तू ध्यान रखना, अब कुछ दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। बिल्कुल जाओ। हेलो भूषण, हमें कट्टा चाहिए कल, बढ़िया रेंज वाला। ठीक भांजा, तुमने कहावत तो सुनी हुई ही। कौन? बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। हाँ।
लड़ाई झगड़ा क्रोध और इन सब का अंत है अनंत। देखा आपने कैसे इस गांव में एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनता है और उसका परिणाम कितना भयानक हो जाता है। अपराध होने पर कानून का सहारा ना लेना कांटों को बोने जैसा है। किसी भी हिंसा का हल हिंसा नहीं हो सकती। हमारे देश में ऐसे लोग अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। दुश्मनी बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं, इसे खत्म करना बुद्धिमानी है। वो कहते हैं ना, मैं निकला था मिटाने दुनिया में सिकवे गिले, नफरत मिली प्यार करने वाले कम मिले। सच यूं ही नहीं हारता रहा है दुनिया में, गलत को गलत कहने वाले कम मिले। और सच ये है कि अहिंसा को अपनाया जाए, हिंसा को नहीं। हाँ जी, तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो ये गलत बात है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। हमें पता है इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गई क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम थे और भी थोड़े बहुत काम थे, लेकिन अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।